नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद और आज मैं इस वीडियो में आपको कपलिंग के बारे में बताऊंगा कि कपलिंग कितना टाइप का होता है और कहाँ पे यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं। कपलिंग कितने टाइप का होता है, जैसे कपलिंग कहाँ पे किसके लिए यूज होता है। तो जो कपलिंग है इसमें एक ड्राइव होता है, क्या ड्रिवन होता है, ठीक है, जिससे हम ड्राइव करते हैं, जैसे मोटर हो गया, टरबाइन हो गया, जनरेटर हो गया, ड्रिवन हो गया, जो ड्राइव कर रहा है, जो स्टैटिक को हमको ड्राइव कराना है, तो इसको दोनों को जोड़ने, ड्राइव और ड्रिवन को दोनों को जोड़ने के लिए कपलिंग का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कपलिंग कितना टाइप का होता है, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स और छोटे छोटे इक्विपमेंट सबको जोड़ने के लिए एक कपलिंग का ही यूज होता है, मेंटेनेंस के लिए ईजी रहेगा। ये स्लीव कपलिंग है और बूस्ट कपलिंग। स्लीव कपलिंग वो एजिटेटर में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है दोस्तों, एजिटेटर में सबसे ज़्यादा यूज होता है स्लीव कपलिंग। बूस्ट कपलिंग जो अपना ब्लोअर है उसमें जो बूस्ट रहा जहाँ पे वहाँ पे वो बूस्ट कपलिंग बोलते हैं, जिससे ज्वाइंट होगा वो बूस्ट से ज्वाइंट होगा, अंदर में बूस्ट रहेगा। ये फ्लैंज कपलिंग होगा और यूनिवर्सल कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग एलाइनमेंट जीरो करके एकदम उसको हम डायरेक्टली टाइट कर देते हैं, दोनों में फ्लैंज रहेगा, हब रहेगा, वो दोनों को टाइट कर देते हैं तो वो फ्लैंज कपलिंग बोलते हैं। वो फिर से यूनिवर्सल कपलिंग आ गया, जहाँ पे अलाइनमेंट आउट रहेगा तब भी हम वहाँ पे यूज करते हैं यूनिवर्सल कपलिंग का। ठीक है दोस्तों, ये रिजिड कपलिंग है, रिजिड कपलिंग और क्लैंप कपलिंग। ये ज़्यादातर यूज होता है एजिटेटर में, ये भी एजिटेटर में यूज होता है क्लैंप कपलिंग। रिजिड कपलिंग जो कंप्रेसर रेसिपोक्रेटिंग उसमें ही ज़्यादातर यूज, ओल्डम कपलिंग और डायफ्राम कपलिंग। ओल्डम कपलिंग है जो वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हमको जगह नहीं रहता है, जहाँ पे डायरेक्टली हम बैठा देते हैं, जैसे कंप्रेसर हो गया लूब ऑयल पंप का, वो जो डायरेक्टली हम बैठा देते हैं, ओल्डम कपलिंग भी वहाँ पे यूज होता है। डायफ्राम कपलिंग है जो पंप है कंप्रेसर है उसमें दोनों को जोड़ने के लिए हम डायफ्राम कपलिंग का यूज करते हैं। जाय कपलिंग जो स्मॉल लूब ऑयल पंप होता है, जो छोटा पंप होता है, अलाइनमेंट आउट रहेगा वहाँ पे हमको जाय कपलिंग यूज होता है। फ्लूइड कपलिंग वहाँ पे यूज करते हैं जो एजिटेटर, बड़ा बड़ा एजिटेटर है, चाहे लो स्पीड से हाई स्पीड में करना है, ये सब रहता है वहाँ पे हमको फ्लूइड कपलिंग यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा कपलिंग के बारे में बता रहा हूँ, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये है गियर कपलिंग और बेलो कपलिंग। ठीक है, आप काम करेंगे तो आपको क्या है दिमाग में रहेगा कौन सा कपलिंग है, तो आप जाएंगे उसको देखेंगे तो हाँ ये कौन सा कपलिंग है, आपके दिमाग में वो चला जाएगा कि हाँ ये कपलिंग है। ठीक है दोस्तों, तो जो मैं बताया वो वीडियो में, जैसे गियर कपलिंग है, बेलो कपलिंग, ये जितना टाइप का मैं कपलिंग बताया हूँ वो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये लाइक और कमेंट कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, तभी हमको पता चलेगा हाँ वीडियो मैं अच्छा बना रहा हूँ, कैसा बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।